Welcome to SEM Physics. Next topic is capacitance of parallel plate capacitor with dielectric. एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है जब उसके अंदर हम एक डायलैक्ट्रिक रख देते हैं. एक टॉपिक हमने किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका आंसर आया था F0A/D. क्या स्टेप्स थे? सेम स्टेप्स इसमें यूज होने हैं, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में एक बार हमने ड्रॉ कर दिया है. ये एक कैपेसिटर है जिसके दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बीच में. ए कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन. इसके ऊपर चार्ज क्यों था और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ए कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इफ टू शीट्स आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देन सिग्मा बाय एप्सिलॉन. वी क्या होता था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? ए इंटू डी. ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन, डी सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, ये हो गया. तो सी क्या होता है? क्यू बाय वी. वी की वैल्यू क्या है अपने पास? ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया था. सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे विद डायलैक्ट्रिक्स करेंगे. ओके, हमने इसके साथ कंपेयर करना है इसकी कैपेसिटेंस को. इसकी कैपेसिटेंस को हमने किसके साथ कंपेयर करना है? इसके साथ. क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को. ये एक कैपेसिटर है, इस साइड एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव डिस्टेंस हमें, अब अगर इस प्लेट में डी था तो हम यहां पे भी कितना लेंगे? डी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल है, ए नॉट. प्लेट का एरिया कितना है? ए. नाउ अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या थी? ये डायलैक्ट्रिक अभी नहीं रखा, तब कितनी है हमें पता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. तो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. कैपेसिटेंस ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जब वो एयर के अंदर है ओनली. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर ओनली, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. क्लियर? इसके साथ ही हमने क्या करना है? इसको कंपेयर करना है. हाँ जी, तो सी उसका नाम देंगे जो इसकी कैपेसिटेंस आएंगे, इसलिए इसका नाम हमने एक बार सी नोट दे दिया. अब देखिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा. और चार्ज क्यों कितना होगा? क्यों. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा और चार्ज इज क्यों. नाउ हमने बीच में एक क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक रख दिया. क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक. तो डाइलेक्ट्रिक जो रखा है इसकी थिकनेस कितनी है? टी रख. टी थिकनेस का एक हमने क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक रख दिया. इसकी लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? नेगेटिव. ये प्रोसेस कौन सा था? ड्यू टू द पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन के कारण ये यहाँ पे इस फेस पे नेगेटिव आ गया और इस फेस पे पॉजिटिव आ गया. तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था यहाँ पे. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पोलराइजेशन. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा था? E नॉट माइनस E. ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पोलराइजेशन टॉपिक के अंदर हमने सारा कुछ किया. नाउ देखिए हमें इसी के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमें कैसे आएगा? हमारे पास V लेके आना होगा. V क्या होगा? ED. जो E यहाँ पे कितना है? E नोट है. यहाँ पे E है, यहाँ पे E, ये मीडियम का हो गया, यहाँ पे E नोट है. E नोट की फॉर्म में लेके आना है हमें. E नोट की फॉर्म में आएगा तभी तो क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट के ऊपर. E नोट किसका है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट आएगा. सिग्मा क्या होगा? क्यू. क्यू बाय में दिस ए. तो सारी फॉर्म यही आ जाएगी. तो हमें ई नोट की फॉर्म में भी लेके आना है, खास ध्यान रखिएगा. बट
कैसे लेके आएंगे, और ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ए नोट कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, लिख देते हैं थोड़ा सा। ए नोट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो कि कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा पी थी, इसकी चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा पी। नाउ देखिए कि पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना वो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू दैट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इतने डिस्टेंस पे था तो दैट डिस्टेंस, यहां पे हमें देखना होगा। देखिए बाहर की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के बाहर की बात, ये और ये डिस्टेंस, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए नॉट, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा नेट ए, जो बाहर का पोर्शन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए नॉट, तो वी इज इक्वल टू ए नॉट, ये डिस्टेंस कितना है बाहर का, टोटल में से अगर टी माइनस कर दूं तो दिस प्लस दिस डी माइनस टी बचेगा, टोटल डिस्टेंस इज डी, टी माइनस हो गया तो ये बच गया और ये बच गया, दैट इज डी माइनस टी, और यही चाहिए था, जो कि यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट, प्लस यहां पे कितना है ई, और इसका कितने डिस्टेंस के अंदर है ये ई, इतने डिस्टेंस के अंदर है टी, डिस्टेंस के अंदर यहां से लेकर यहां तक ई है, तो प्लस ई। सेम स्टेप्स सेम फॉलो करेंगे बट कैलकुलेशन चेंज होती जाएगी, क्योंकि अब डायलैक्ट्रिक आ गया। ओके, तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और इस ये यहां का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां का डिस्टेंस। ओके नाउ, अब आपको मैंने बताया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए लेके आने के लिए हमें सारी फॉर्म किसकी फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी, पोटेंशियल ई नॉट, ए नॉट की फॉर्म में लेके आएंगे, बट यहां पे तो ई की फॉर्म में भी आ रहा है और ई नॉट की फॉर्म में भी आ रहा है, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि ई को ई नॉट की फॉर्म में लेके आता हूं, E नॉट बाय के, के क्या था, E नॉट बाय में E था, जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा था सेकंड पॉइंट हमने किया था लास्ट डेरिवेशन के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, K इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम, तो ये इधर चला जाएगा E, K नीचे आ जाएगा, तो E कितना आ गया E नॉट बाय में K, तो ई की वैल्यू आ गई। अब सारी फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नोट में आ गई, तो ई नोट कॉमन आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब देखिए ई नोट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे ई नोट की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यों, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड द प्लेट इज जीरो, बार बार रिजल्ट यूज हो रहा है। अब सिग्मा की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, चार्ज बाय एरिया, यहां पे सिग्मा क्या है, चार्ज क्यू है, और एरिया प्लेट का कितना है ए, तो चार्ज बाय एरिया यहां पे पुट कर देते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी बाय के। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, कैपेसिटेंस सी, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज वाई में पोटेंशियल, चार्ज क्यू ही है और पोटेंशियल ये रहा, वैल्यू को पुट कीजिए, क्यू वाई में एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस प्लस सी बाय के, क्यू से क्यू कट गया ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया d माइनस टी प्लस टी बाई के, यस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी उसी की फॉर्म में आ रहा है। अब बस आपको ये बताना है कि ये डायलैक्ट्रिक रखा तब कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, क्या ये वाली कैपेसिटेंस ज्यादा है या ये वाली कैपेसिटेंस ज्यादा है। देखिए एप्सिलॉन नॉट ए तो दोनों में है, d d इस टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ये दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सी बड़ा होगा कि छोटा होगा,
ओके चलो चेक करते हैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का वन होता है तो वन से हमेशा ज्यादा रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई भी मटेरियल हो के की वैल्यू वन से कम कभी नहीं हो सकती तो वन होती है वैक्यूम की बट एयर भी है तो उससे ज्यादा होगी तो ज्यादा ही रहेगी ओके तो या ये नेगेटिव टर्म है और ये वाली टर्म पॉजिटिव है ये वाली टर्म इस टी से छोटी होगी क्यों ये टी अकेला है और ये टी बाय के है और नीचे वन से बड़ा डिवाइड करेंगे तो ये टर्म छोटी हो जाएगी ये पॉजिटिव वाली टर्म छोटी है नेगेटिव वाली बड़ी है तो नेट आंसर क्या आएगा नेगेटिव और डी माइनस समथिंग आंसर आएगा मतलब डी माइनस आएगा तो नीचे वाली चीज छोटी होगी तो सी बड़ा हो गया यहाँ पे स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कैलकुलेशन पर ध्यान से देखिएगा यहां से तक देखिए ये टर्म बड़ी है ये टर्म छोटी है क्योंकि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ओके ये टर्म बड़ी सॉरी छोटी ये टर्म बड़ी तो आंसर नेट आंसर इज नेगेटिव डी माइनस समथिंग आएगा तो टोटल नीचे से तो पहले डी है और यहाँ पे डी माइनस नीचे वाली चीज छोटी आ गई नीचे वाली चीज छोटी होगी तो रेसिप्रोकल है ये तो सी बड़ा होगा सी इज ग्रेटर देन सी तो हम कह सकते हैं सी जो होगा वो किससे ग्रेटर होगा सी नोट से ग्रेटर होगा दैट मींस डाइलेक्ट्रिक अगर हम रख देते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है क्लियर ओके यस क्वेश्चन करते हैं क्या कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसको रखने से कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाए मैंने अभी बताया डाइलेक्ट्रिक कोई भी होगा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू वन से ज्यादा होगी अगर वन से ज्यादा होगी तो सी बड़ा रहेगा सी नॉट से ऐसा कोई भी डायलैक्ट्रिक मटेरियल नहीं है कि जिसको रखने से कैपेसिटेंस इससे कम हो जाए कोई भी डायलैक्ट्रिक मटेरियल ऐसा नहीं है क्लियर ओके केस करते हैं इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक अगर हम कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक रख दें यानी कि यहां से ऐसे 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 कंप्लीट फिल कर दे ऐसे नहीं कि यहाँ पे तो देखो ये स्पेस पड़ा कुछ भी नहीं तो केस क्या बन जाएगा तो हमारे पास t इक्वल टू क्या आ जाएगा डी आ जाएगा t इक्वल टू डी हो जाएगा या t की जगह डी पुट कर दो t इक्वल टू डी हो जाएगा तो t की जगह क्या पुट कर दो डी करके देखिए एप्सिलॉन नॉट a डी माइनस डी प्लस डी बाय के डी माइनस डी प्लस डी बाय के तो d माइनस डी जीरो क्या बचा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a d बाय k ऊपर चला जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a बाय में d क्लियर एप्सिलॉन नॉट a बाय d ये रहा c नॉट है तो आंसर क्या आ गया हमारे पास k c नॉट क्लियर तो आंसर क्या आया हमारे पास k c नॉट दैट मींस अगर हम कंप्लीटली फिल्ड कर देंगे उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जितना डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उतने टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जैसे वाटर फिल कर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना बताया था 80 तो वाटर अगर फिल कर देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी क्या हो जाएगी 80 टाइम्स इंक्रीज 80 गुना बढ़ जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक रखने से बढ़ जाती है देखो सेम स्टेप्स हमने फॉलो किए बस इसकी जो कैलकुलेशन चेंज हो गई है ये पोलराइजेशन के कारण बस उसको फॉलो किया हमने दोनों डेरिवेशन में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है चेक कर सकते हैं जल्दी से इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा ये टॉपिक कंपटीशन के लिए अच्छा टॉपिक है सीरीज टाइप अरेंजमेंट एंड पैरेलल टाइप अरेंजमेंट हमने क्या किया है एक कैपेसिटर है ए एंड बी से कनेक्ट किया हुआ बैटरी सर यहाँ पे हम सीरीज टाइप बना रहे हैं यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन है दूसरा लगा दिया ये के टू है तीसरा लगा दिया इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के थ्री है
ऐसे एनएफ एन लगा दिए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एन है, इसकी थिकनेस टी वन है, इसकी थिकनेस टी टू है, इसकी थिकनेस टी थ्री है, इसकी थिकनेस टी एन है। ये होगा सीरीज डायग्राम। क्लियर? ऐसे एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से, दूसरे का एंड नेक्स्ट के स्टार्टिंग से, फिर इसका एंड नेक्स्ट के स्टार्टिंग, ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। क्लियर? तो ये होगा सीरीज डायग्राम। नाउ अगर हम डाइलेक्ट्रिक ऐसे लगा दें, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है, इसका के टू है, इसका के थ्री है, इसका के एन है, इसका एरिया ए वन है, इसका एरिया ए टू है, इसका एरिया ए थ्री है, इसका एरिया ए एन है। नाउ जो हम अभी अंशों निकाल के आए हैं, ये डायलेक्ट्रिक रखा था ऐसे, और ये और आंसर आया था हमारे पास एफ एल नोट ए डी माइनस डी प्लस डी बाय के, ये जो अभी आंसर आया था, तो ये जो अरेंजमेंट था ये सीरीज टाइप लग रहा है या पैरेलल टाइप लग रहा है? ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके तो रखा हमने, ऐसे रखे हैं, तो ये एक सीरीज टाइप है। तो सीरीज टाइप का तो आंसर हमें डायरेक्ट पता है, हम इसी के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे इसी के, तो सीरीज टाइप वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा ये आंसर से, ये कवर ये सीरीज टाइप का ही निकाला हुआ है। तो देखिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले सीरीज टाइप पर। कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो एप्सिलॉन नॉट एरिया इज ए डी माइनस टी, टी कितना है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी है, टी वन प्लस टी टू प्लस T3 अप टू TN, उसके बाद क्या था, प्लस T by K, यही था ना, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी प्लस टी बाई के, है ना। तो ये था डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस अपॉन में T by K, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस बाय में डाइलेक्ट्रिक्स का डायरेक्टली कॉन्स्टेंट। यस, तो पहला फर्स्ट था T1 बाय में K1, T1 बाय में K1, T2 बाय में K2, T3 बाय में K3, अप टू TN बाय में KN। क्लियर? ये हो गया बस। यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN, इसकी थिकनेस प्लस इसकी थिकनेस प्लस इसकी थिकनेस प्लस सारी थिकनेस इज इक्वल टू क्या होती है, डी, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का गैप कितना है, डी है, तो ये किसके इक्वल हो गया, डी के। क्लियर? तो ये कितना आ गया फिर हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी, डी माइनस डी से डी कट गया, रह गया पीछे सिर्फ ये रह गया, तो टी बाय में टी वन बाय में के वन, टी टू बाय में के टू प्लस टी थ्री बाय में के थ्री। यस, क्लियर? नाउ पैरेलल टाइप के अंदर हमें अलग से करना पड़ेगा, पैरेलल के अंदर कैपेसिटर पैरेलल के अंदर लगे हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, सीरीज पैरेलल की डेरिवेशन करके आए हैं, तो ऐड हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, सबके कैपेसिटेंस क्या हो गई है, एड हो गई है। ओके, नाउ C1 किसके इक्वल होगा, C1 कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, यस, तो कितनी होगी फर्स्ट की, तो फर्स्ट की जरा बताएंगे मुझे कितनी होगी, आपको पता है अगर हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं, कंप्लीटली फिल कर देंगे जब, तो क्या आया था, के सी नॉट था ना, के टाइम्स हो जाता है, और सी नॉट कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे C1, यहां से लेकर यहां तक पूरा पोर्शन कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है तो फर्स्ट के लिए K1, फर्स्ट के लिए K1,
इतने इतने पोर्शन की सी नोट लगानी है, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा इसका तो एप्सिलॉन नॉट, बट एरिया कितना है a1 यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है d, तो d ही है। c2 कंप्लीटली फिल्ड है, तो k2 k टाइम्स है, तो k2 सी नोट क्या हो जाएगा इसका, इस सही पोर्शन का सी नोट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पोर्शन का एरिया कितना है a2 बाय में क्या आ जाएगा dr। क्लियर, इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। नाउ an बाय में dr, ओके यस, यहां से k1 कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, dv कॉमन, क्या बचा k1 a1 k2 a2 kn a f, ये आंसर आ गया। इफ केस है थोड़ा सा आगे, इफ सारे एरियाज आपस में इक्वल है, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 अप टू an, सारे एरियाज क्या है इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा a बाय में है, सारे एरियाज इक्वल है, कितने लगाए गए हैं n, टोटल का एरिया कितना था प्लेट का a, अगर a को n से डिवाइड कर दूंगा तो 1 का आ जाएगा, देखो जी टोटल एरिया कितना है a, सारे इक्वल हैं, कितने हैं टोटल n, अगर टोटल को n से डिवाइड करूंगा तो 1 का आ जाएगा ना, तो 1 a1 कितना होगा a बाय n, a2 भी कितना होगा इक्वल है a बाय n, a3 भी कितना होगा a बाय n, सारे क्या होंगे a बाय n, तो यहां a बाय n a बाय n a बाय n, तो a बाय n क्या आ जाएगा कॉमन a बाय n a बाय n क्या आ गया k1 प्लस k2 प्लस यस, ये आ गया हमारे पास पैरेलल टाइप अरेंजमेंट के लिए, और ये हमारे पास सीरीज टाइप अरेंजमेंट के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर, इन सब पर क्या फर्क पड़ेगा अगर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, ये देखिए एक कैपेसिटर है कंप्लीटली फिल्ड है, ये थोड़ा शो ऐसे किया है कि कंप्लीटली नहीं है बट कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसका कंप्लीटली फिल्ड है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कंप्लीटली फिल्ड है, ऐसे ही ये कंप्लीटली फिल्ड है। क्वेश्चन 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, सीबीएसई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 10 अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या पड़ेगा, एनर्जी पे क्या पड़ेगा फर्क विद डाइलेक्ट्रिक के बदलने से। और रीजनल क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा तो वो क्या है क्यू नॉट वी नॉट ई नॉट सी नॉट यू नॉट, चार्ज रीजनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस एनर्जी, ये ओरिजिनल है, इससे कंपेयर करना है हमने कि नए क्या बने। ओके, तो पहला क्या है, बैटरी रिमूव फ्रॉम द कैपेसिटर, एक बार बैटरी लगा के उसको क्या कर दिया हमने, हटा दिया। और सेकंड में क्या है, बैटरी कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ये लाइन क्या लिखी है, रिमूव्ड है या कनेक्टेड है, बैटरी को हटाया नहीं गया है, बैटरी को रखा गया है, बैटरी को हटाया नहीं गया है, क्लियर, इसमें हटा दिया गया है। ओके, तो हटा दिया गया है तो देखिए बेटा बड़े ध्यान से क्या होने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है E नॉट बाय में K, करके आए हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स ओरिजिनल से K टाइम्स कम हो जाता है, ये पॉइंट हम करके आए हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये पता है।
पोटेंशियल चेक करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो गया? ए नॉट बाय के, ए नॉट इनटू डी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ओरिजिनल पोटेंशियल, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज ओरिजिनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाता है। अच्छा कैपेसिटेंस भी करके आए हैं हमने, ये तो केस ही किया था। कैपेसिटेंस जब कंप्लीटली फिल्ड होता है तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, ये क्लियर। ओके, चार्ज, नया चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? सीवी। चार्ज क्या होता है? सीवी। सी कितना है? के सी नॉट। सी कितना है? के सी नॉट। वी कितना है? वी नॉट बाय के। के से के कट गया, सी नॉट वी नॉट। ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल पोटेंशियल, सी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू ओरिजिनल चार्ज। क्यों नॉट? तो क्यों चेंज नहीं होगा? जो ओरिजिनल है वही रहेगा, तो चार्ज चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना होगा, आंसर देना होगा उसका, ठीक है? तो ऐसे ही एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? हाफ सीवी स्केयर, हाफ सीवी स्केयर होता है, हाफ सी, सी कितना है? के सी नॉट। वी कितना है? वी नॉट बाय के। ऊपर क्या है? स्केयर। नाउ हाफ के सी नॉट इंटू वी नॉट का स्केयर बाय में के का स्केयर, एक के से एक के कट गया, बचा क्या? हाफ के सी, सॉरी के नीचे आया, हाफ सी नॉट स्केयर वी नॉट स्केयर बाय में के। हाफ सी नॉट स्केयर वी नॉट स्केयर, ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी बाय में के। तो देखिए चार्ज सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है के टाइम्स कम हो जाता है, पोटेंशियल भी इसके कारण के टाइम्स कम हो गया, कैपेसिटेंस हमें ऑलरेडी पता है के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, चार्ज निकल गया उससे, एनर्जी में निकल गई, एनर्जी के टाइम्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? ओके, ना बैटरी कनेक्ट होती है तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें? बैटरी का सबसे बड़ा काम ही क्या होता है? पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखना, पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देना, पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देना। दैट मीन्स एक पॉइंट तो हमारे पास क्लियर हो गया कि पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। बैटरी लगी है, बैटरी का काम ही ये रहेगा कि पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखो, ठीक है? चार्जेस को इंक्रीज करते जाएगा बैटरी, और पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। ओके, जो पोटेंशियल कम हो रहा था यहाँ पे क्या होगा? चार्जेस को बढ़ा के के टाइम्स पोटेंशियल मेंटेन कर देगा। देखेंगे आंसर वही आएगा, चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल बाय में डिस्टेंस, बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ओके, तो पोटेंशियल चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, बाय में डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहता है? वही रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक लगा है, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फील्ड है, कैपेसिटेंस ने तो इंक्रीज होना ही होना है, कैपेसिटेंस के टाइम से इंक्रीज होगी ही होगी। तो डाइलेक्ट्रिक आ गया, उसकी कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। क्लास ओके, नाउ चार्ज, चार्ज क्या आ गया? कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल के सी नॉट, पोटेंशियल किसके इक्वल है? ओरिजिनल के, वी नॉट के। तो के सी नॉट वी नॉट, सी नॉट वी नॉट, ओरिजिनल चार्ज, चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। देखो चेंजेस हो गई हैं, एक में बैटरी लगी हुई है, एक में बैटरी रिमूव्ड है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। एनर्जी का तो हाफ सी वी स्क्वायर, सी के सी नॉट, V चेंज नहीं होगा, तो हाफ के सी नॉट स्केयर वी नॉट स्केयर। ओके,
हाफ सी नॉट स्केयर वी नॉट स्केयर ओरिजिनल एनर्जी तो के यू नॉट, इसमें एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज होगी, इसमें एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस सो डाइलेक्ट्रिक आ गया इंक्रीज होएगी होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, चार्ज सेम रह रहा है इसमें चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर समझ में आए तो क्वेश्चन आता है, अच्छा कंसेप्चुअल है, चीजों का पता लगता है कि क्या कुछ हो रहा है, सारे वेरिएबल्स के बारे में हमने स्टडी कर ली, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।